गुड आफ्टरनून सर। कैसे आप सब लोग? हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? ओके गुड। हाँ सर, थैंक यू। कैसे सब लोग? थैंक यू। रिस्पॉन्स देते जाओ जरा। सर आप क्या हो गया? मैंने ऑन कर दिया। सर आप कैसे हो? मैं भी मजे में हूँ। बाकी किसका माइक शुरू है? 20 रुपए मेरे थे। 20 रुपए है। एक मिनट, मैं सब स्टूडेंट्स को ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ वेट करो। एक्स वाई जेड कौन है? एक्स वाई जेड नाम डालो वहां पर, नहीं तो मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा। अब एक बात और याद रखो, हाँ, इसके आगे आप जो है वो नाम से एंटर होगी, नाम से एंटर होना है। ओके, सबको मैं क्लियरली दिखाई दे रहा हूं? कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस सर। गुड। सो अगेन गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। नाउ इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन अबाउट रूल्स फॉर राइटिंग एसआई रीड्स, एम आई राइट? ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट्स, क्लियर है ना? तो मैंने बहुत ही सिंपल रूल्स आपको बताए थे डियर स्टूडेंट्स, कि मैंने कहा था फुल नेम ऑफ यूनिट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन स्मॉल लेटर्स ओनली। अगर आप किसी भी क्वांटिटी का अगर यूनिट लिख रहे हो, फुल नेम है यूनिट का, जैसे मास का यूनिट है किलोग्राम, तो किलोग्राम फुल नेम है, तो इट शुड स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, इट्स इनिशियल लेटर शुड नॉट बी कैपिटल। तो इनिशियल पहला लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वह साइंटिस्ट का नाम भी है तो भी उसका इनिशियल लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए। युति माइक म्यूट करो प्लीज आपका। एंड लेकिन मैंने दूसरा रूल बताया था डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्वांटिटीज के यूनिट्स का सिंबल लिख रहे हो, यूनिट्स जो लिख रहे हो उसका सिंबल लिख रहे हो, तो सिंबल लिखते वक्त ये रूल्स याद रखना है कि सिंबल ऑफ यूनिट्स भी स्मॉल लेटर्स में ही होना चाहिए। ये बहुत ही जनरल कन्वेंशन है, ये बहुत ही जनरल रूल्स है, बट बहुत सारे टीचर स्टूडेंट्स भी गलतियां करते हैं लिखते वक्त। आपको इसके आगे समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे गलतियां करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी यूजफुल है, एंड डेली लाइफ में जब भी आप यूनिट्स लिखोगे ये रूल्स फॉलो करना है। देखो मैंने आपको कहा कि फर्स्ट रूल, मैंने कहा फुल नेम शुड बी इन स्मॉल लेटर्स, सिंबल्स ऑफ यूनिट्स विच आर नॉट नेम्ड आफ्टर पर्सन और साइंटिस्ट, ऐसे यूनिट्स के सिंबल्स जो साइंटिस्ट के या पर्सन के नाम नहीं है, ऐसे स्मॉल लेटर्स में ही होने चाहिए सिंबल्स। बट अगर वह साइंटिस्ट का नाम है, कोई यूनिट अगर साइंटिस्ट का नाम है, फॉर एग्जाम्पल न्यूटन, तो न्यूटन ये यूनिट अगर आप लिख रहे, फुल नेम लिख रहे, तो वह स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। बट न्यूटन का सिंबल लिख रहे, व्हाइल राइटिंग द सिंबल ऑफ न्यूटन इट्स इनिशियल लेटर शुड बी कैपिटल, एक्चुअली एक ही लेटर है तो वह लेटर कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल नहीं होना चाहिए। जूल भी साइंटिस्ट का नाम है, बट फुल नेम शुड बी इन स्मॉल लेटर्स, बट व्हाइल राइटिंग इट्स सिंबल वह कैपिटल लेटर होना चाहिए।
और मैंने आपको बताया था जब भी आप यूनिट्स का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो माय डियर स्टूडेंट्स तब दो यूनिट्स में स्पेस होना चाहिए। मैंने कहा है कि दोनों में सोशल डिस्टेंसिंग रखो। न्यूटन सेकेंड लिख रहे हैं आप, तो या तो स्पेस रखो या तो दोनों में डॉट्स होना चाहिए। डॉट का मीनिंग मैंने कल बताया था जो कि मल्टीप्लीकेशन होता है, एंड डिविजन ऑफ यूनिट्स है, उसके लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पर हमारा लास्ट लेक्चर एंड हुआ था, तो चलो उसे कंटिन्यू करके मैं आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताने वाला हूं। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने कहा था वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला बताया था डियर स्टूडेंट्स, मीटर पर सेकंड, नहीं फॉर्मूला है सिर्फ फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट है कि नहीं। तो अगर मुझे स्पीड का यूनिट लिखना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं, सबके सब यूनिट्स आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट 7 यूनिट्स आप लर्न कर लो, एंड 7 यूनिट्स का यूज करके आप किसी भी क्वांटिटी का यूनिट डिराइव कर सकते हो। देखो कैसे, मुझे वेलोसिटी का यूनिट लिखना है ना, तो SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप डिस्टेंस मेजर करते हैं, मतलब क्या मेजर करते हो आप, लेंथ ही मेजर करते हैं, लेंथ का यूनिट क्या है मीटर, एंड टाइम का यूनिट है सेकेंड, हाँ यहाँ पर मैंने एक रूल बताया था, इन केस ऑफ डिवीजन ऑफ यूनिट्स सॉलिडस साइन, सॉलिडस का मतलब होता है ये स्लैश, सॉलिडस का मतलब होता है ये ऑब्लिक, ये सॉलिडस साइन यूज करना है, और यू कैन यूज नेगेटिव पावर्स, नेगेटिव पावर्स का भी आप यूज कर सकते हो। मुझे बताओ यहाँ सेकेंड का पावर कितना है, इस एस का पावर कितना है, बोलो, वन है, लिखा नहीं मतलब वन है, एंड वन अगर न्यूमेरेटर पर लिखेंगे आप तो वो माइनस वन हो जाएगा, तो यू कैन राइट दिस फॉर्मूला इन दिस वे, ये यूनिट ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, और इसका भी मतलब है मीटर पर सेकेंड। एंड जब भी आप यूनिट्स लिखोगे माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैं लिख रहा हूं 10 किलोग्राम, तो यू शुड यूज सिंगुलर फॉर्म ओनली, सिंगुलर फॉर्म समझ में आता है क्या आपको, यस, सिंगुलर फॉर्म समझ में आता है क्या, अरे बोलो, सिंगुलर प्लूरल समझ में आता है क्या, ओके तो मैं क्या बता रहा हूँ जरा ध्यान से देखो, अगर मैं लिख रहा हूँ 1 kg तो आप लिख देते हैं, लेकिन मैं लिख रहा हूँ 10 kg तो यू शुड राइट 10 kg ओनली एंड नॉट 10 kgs, अगर आपने ऐसा लिखा 10 kgs तो माय डियर स्टूडेंट्स ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, यू शुड नॉट राइट 10 kgs, इट शुड बी 10 kg। अब ये सारे कन्वेंशन से, कन्वेंशन से मतलब रूल से, सुविधा के लिए बनाए, जैसे हमें क्या बताया जाता है जब हम चलते हैं रस्तों पर, रोड्स पर, तो हमें बताया जाता है कि आप लेफ्ट साइड से चलो, बराबर है कि नहीं, हाँ सर, तो ये रूल हो गया, तो ये रूल हो गया, तो वैसे यहाँ पर अब ये क्यों हुआ ऐसा रूल, ताकि रूल कैसे होता है सुविधा के लिए, अगर रूल नहीं होगा तो हर कोई अलग अलग डिरेक्शन में जाएगा, उसके कारण एक्सीडेंट हो सकता है, लोगों को कंफ्यूजन होगा कहाँ जाना है, तो यहाँ भी वैसे ही हुआ। आप यहाँ तक kgs का मीनिंग होता है किलोग्राम सेकेंड, क्योंकि यस किसका सिंबल है बताओ मुझे, सेकेंड का, तो ये किलोग्राम सेकेंड हो जाएगा, तो वो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो ये अवॉइड करने के लिए क्या किया कि ये जो सब यूनिट से उनका सिंगुलर फॉर्म ही लिखना है, एंड कोई भी पंक्चुएशन मार्क आपको यूज नहीं करना है आफ्टर द सिंबल ऑफ यूनिट। क्वेश्चन मार्क तो आप लिखेंगे नहीं, एक्सक्लेमेटरी मार्क भी नहीं होना चाहिए, वो तो समझने वाली बात है, लेकिन यू शुड नॉट राइट फुल स्टॉप, ये अगर आपने ऐसा लिखा तो माय डियर स्टूडेंट ये भी रॉन्ग है। आप केजी मत, फुल स्टॉप मत लिखो, आप लिखो केजी सिंपल। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि केजी शॉर्ट फॉर्म है क्या किलोग्राम का, इट्स नॉट अ शॉर्ट फॉर्म, ये किलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, ये किलोग्राम का सिंबल है,
एनी टाइप ऑफ पंक्चुएशन मार्क, एनी टाइप ऑफ एसेट फुल स्टॉप कॉमा कोई भी, एनी टाइप ऑफ पंक्चुएशन मार्क शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर द सिंबल ऑफ यूनिट। अगर आप किसी भी क्वांटिटी के यूनिट का सिंबल लिख रहे हो तो उसके बाद पंक्चुएशन मार्क नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये सबको? न्यू स्टूडेंट्स को धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, उसके लिए आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने के लिए आप मुझे मैसेज सेंड करो ताकि मैं आपको अपने फिजिक्स जोन ऐप में ऐड कर लूंगा। ओके चलो आप ध्यान से देखो और समझ लो। के फर्स्ट चैप्टर ही चालू है क्या? यस फर्स्ट चैप्टर शुरू है। क्या नाम है आपका? सानवी? क्या सानवी बोल रहे हो? यस सर। ओके सानवी अपना ये फर्स्ट टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक से भी हम बोलेंगे ये फिजिक्स का बेसिक है, ये सब फिजिक्स का बेसिक है, इसे परफेक्ट कर लो तो आगे जो भी न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा वो आप आसानी से समझ सकते हो। इसमें आने वाली हर चीज, हर कॉन्सेप्ट आपके नेक्स्ट टॉपिक के लिए बेसिक है। देखो आप फिजिक्स का कोई भी टॉपिक निकाल कर देखेंगे तो उसमें यूनिट आने वाला है, बराबर है कि नहीं? तो यूनिट पढ़ रहे हैं, मतलब इसमें आने वाले हर आर्टिकल मैंने कहा आपको बेसिक है, तो ये अच्छी तरह से समझ लो। एंड मैंने आपको कहा आपका बेसिक अच्छा होगा तो इंटरेस्ट डेवलप होगा फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में, तो आगे के कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेंगे एंड तब आप खुद होकर इसकी स्टडी करने लगोगे। ओके यस सर। तो अब मैं ज्यादा जोर पर, अब हमारा जो पार्ट चल रहा है, मुझे दो आपको चीजें यहां पर बतानी है। अब यहाँ पर इस आर्टिकल में एक जो बेसिक क्वांटिटीज है उनके फॉर्मूले एंड उनका यूनिट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन बताया था, फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन बताया था। यस सर। कौन कौन से क्वांटिटीज बताया था, बताए थे उसमें कौन से टाइप्स मैंने बताए थे? I told you physical fundamental quantities. Fundamental quantities. Very good. And derived quantities. Derived quantities. Supplementary quantities. So supplementary quantities. Yes, good. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये physical quantities यहाँ पर लिख रहा हूँ। याद रखो fundamental quantities मतलब basic है, वो दूसरे पर depend नहीं होती है, इसके लिए उसका कोई formula नहीं होता है ना, वो बेसिक है, वो दूसरे पर डिपेंड नहीं, उन पर दूसरे क्वांटिटीज डिपेंड है। क्लियर है? यस सर। तो मैं एक फंडामेंटल क्वांटिटीज पहले 7 फिर से लिख देता हूं इसीलिए कि हमें उसका यूज करना है आगे। तो चलो और मुझे सीरियली, मैं जिसका नाम लूंगा वो मुझे बताएं। यश बताओ फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी। यश। ओके अभिषेक। अबरार। आकांक्षा। सर मैं आऊं? हाँ बोलो। नहीं। बोलो बोलो। लेंथ। 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 मास भी है ना? हाँ मास। मास लेंथ। ओके टाइम। इलेक्ट्रिक करंट। टाइम इलेक्ट्रिक करंट। वेरी गुड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में पूछ रहा, आपने तो ऐसे एक एक ने आंसर देना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके गुड। टेम्परेचर। हाँ इलेक्ट्रिक करंट। ओके ओके जस्ट अ मिनट। हाँ टेम्परेचर फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी बराबर है। क्लियर है क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड सेवेंथ वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, शॉर्ट में लिख देता हूं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ओके आलोक। आलोक काकड़े। यस सर। आलोक ये जब मैंने पढ़ाया था तब थे क्या आप? हाँ सर था। तो आलोक मुझे आप बताओ मास इस फंडामेंटल क्वांटिटी का, अब मैं एसआई यूनिट चाहता हूँ। एसआई यूनिट मतलब मैं सिंबल लिख रहा हूँ पूरे,
पूरे सिंबल लिख रहा हूं, ये सबको दिखाई दे रहा है क्या? जहां दिखाई नहीं देगा वो मुझे बता दो। चलो बोलो अलोक, मास का एसआई यूनिट केजी। केजी वेरी गुड। ओमकार, मंडलिक, लेन का यूनिट मीटर। मीटर वेरी गुड। ऐसे नाम लेते आपके आंसर आने चाहिए। आयशा टाइम, सेकंड सेकंड वेरी गुड। इलेक्ट्रिक करंट एम्पायर। एम्पायर एम्पियर ओके। और टेम्परेचर केल्विन। केल्विन बाकी सूरज बताते जाओ। केल्विन ओके। एक मिनट गणेश, गणेश एक मिनट, हाँ मैं बैटरी लो हो गई, एक मिनट जस्ट। कौन बताएगा? और गणेश मुंडे, खुशी बोलो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है? कैंडेला। कैंडेला वेरी गुड। कैंडेला सीडी इज द सिंबल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का? मोल। फिर से मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको। ओके, अब यहाँ से आगे इम्पोर्टेंट पार्ट है माय डियर स्टूडेंट। सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज के सेवन फंडामेंटल यूनिट्स आपको लर्न हो गए हैं। इनके लिए हमें फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, ये बेसिक क्वांटिटीज है माय डियर स्टूडेंट्स। बट अब मैं जो पूछ रहा हूँ उसे समझो। खुशी थोरात सर, खुशी आवाज आ रही है? खुशी मुझे बताओ, खुशी एरिया, एरिया का फॉर्मूला पता है क्या आपको? एरिया का खुशी नहीं पता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलते जाओ सिर्फ। कोमल इंग्रे एरिया का फॉर्मूला, इस कॉलम में फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। थर्ड लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, लेंथ इनटू ब्रेथ, या तो सिंपली मैं ऐसे लिख दूं साइड स्क्वायर। क्लियर है क्या मृणाली? मृणाली यस सर। मृणाली मुझे बताओ आप कि अगर एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर है, साइड मतलब लेंथ होती है, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है मृणाली? मीटर। वेरी गुड, मीटर। ऊपर देखना है सिर्फ, जो मैंने आपको ऊपर लिख कर दिए ये उसमें याद रखना है मीटर। अब ये लेंथ का यूनिट मीटर है लेकिन उसका स्क्वायर है ना? बराबर है हाँ। तो अब एक मिनट, और कोई मीटर स्क्वायर यहाँ पर आप उसको पढ़ते कैसे हो वो मुझे बताओ, इसको पढ़ते कैसे हो? आप बोलेंगे ये क्या बोल रहे हो, लेकिन ये भी जरूरी बोल, आप पढ़ते कैसे हो उसको? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर पढ़ते हो, मीटर स्क्वायर। नीचे और कौन कौन है उनको पूछता हूं मैं। ओके समृद्धि। यस सर। इसको पढ़ते कैसे आप, ये जो मैंने लिखा है इसको? मीटर स्क्वायर और स्क्वायर मीटर। यस, उसको मीटर स्क्वायर सिंगल है तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मीटर स्क्वायर नहीं पढ़ना है उसको, स्क्वायर मीटर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्क्वायर मीटर। यस, अब स्क्वायर मीटर क्यों पढ़ना है वो बताता हूँ। स्क्वायर मीटर ही क्यों पढ़ना है वो मैं बताऊंगा आपको, फिलहाल याद रखो स्क्वायर मीटर पढ़ना है, मीटर स्क्वायर नहीं। ओके, अब मुझे बता दो संस्कृति शिंदे। यस सर। आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है क्या संस्कृति? जो भी पता होगा तो बोलो, पता है आपको? नहीं। सोहम सर मैं आए। हाँ, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। नाम बताओ आपका।
नाम बताते जाओ ना जिन्होंने बताया. ओके सोहम ने बताया क्या आंसर? यस सर. ओके सोहम, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, वेरी गुड. एक सिंपल वर्ड में लिख देता हूं मैं उसको, साइड क्यूब. क्योंकि याद रखो यहां पर लेंथ ब्रेड्थ भी मेजर की तो वो लेंथ ही होती है कि नहीं. सपोज आपके आपके फोन लिया आपने, फोन जो हमारे सामने फोन है, यस यस फोन है हमारे सामने, तो फोन की ये लेंथ है, अब ये ब्रेड्थ है, अब ब्रेड्थ भी मेजर की तो वो लेंथ ही हो गई ना, बराबर है कि नहीं? यस. तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट मतलब लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, तो थ्री टाइम्स लेंथ है तो एल क्यूब हो जाएगा. अब लेंथ का यूनिट आपको पता चला है मीटर, तो उसका क्या है क्यूब. अब इसको क्या पढ़ोगे आप? क्यूबिक मीटर. वेरी गुड, इट्स अ क्यूबिक मीटर. किसने पढ़ा ये बोलते जाओ. चलो कोई बात नहीं, नहीं बोलेंगे तो संजीवनी. संजीवनी. यस सर. आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता है क्या संजीवनी? सर मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ. ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे. ओके साक्षी, साक्षी उगले. नहीं साक्षी को आवाज नहीं आ रही, दूसरी साक्षी. सेम नाम के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ. डेंसिटी मैं आपको बता दूं, वो रो इस ग्रेटर वेरी गुड मास बाय वॉल्यूम, बहुत अच्छे है, सबको आता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, लेकिन सिर्फ बोलते नहीं हुआ. आपको लगता है डर कि कहीं गलत ना हो जाए. सानवी ने आंसर दिया है. ओके मास बाय वॉल्यूम कितना सिंपल है. अब जरा ध्यान दो, हमें सीखना क्या है माय डियर स्टूडेंट्स. सानवी आपने जो पूछा था ना कि ये फर्स्ट टॉपिक है, लेकिन ये बहुत जनरल है, ये बहुत बेसिक है, आपको केमिस्ट्री में भी आएगा. देखो तो मुझे ये बोलना है कि अगर डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम है तो हमें सिर्फ इतना नहीं सीखना है कि हमें इसके यूनिट्स लर्न हो जाए. लर्न हो गए तो और अच्छी बात है, बट लर्न नहीं भी होते माय डियर स्टूडेंट्स शुरू शुरू में, तो आपको ये सीखना है कि फॉर्मूला अगर हमें पता है तो उसका यूज करके हम उसको डिराइव कैसे करें. मैं डिराइव कैसे करें ये सिखाना चाहता हूं आपको, कि डेंसिटी का फॉर्मूला हमें मिला है मास बाय वॉल्यूम, तो हमें डेंसिटी का यूनिट लिखना है तो हमें समझ में आना चाहिए यूनिट ऑफ मास. एंड ये यूनिट ऑफ मास से लेकर ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बस उनका यूज कर रहा हूं मैं. तो यूनिट ऑफ मास तो हमने देखा है, मास का यूनिट क्या है? केजी, बराबर है? केजी. केजी, वेरी गुड. अपॉन, अपॉन आया तो मैंने यूज करने के लिए कहा सॉलिडस साइन स्लैश ऑब्लिक वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम का यूनिट तो मैंने ऊपर ही लिखा है. लिखा है क्या? Yes. क्या है वो? मीटर क्यूब. मीटर क्यूब. तो माय डियर स्टूडेंट्स सब लोग ध्यान दो, आप ये पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको आप कैसे पढ़ते हो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब नहीं, यू शुड रीड इट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. क्या पढ़ना है इसको? किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. अब किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर क्यों, जो आप पढ़ते हैं ना किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो उसका मीनिंग ऐसा होता है माय डियर स्टूडेंट्स. तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब का मतलब ऐसा होता है कि किलोग्राम का भी क्यूब है. तो मुझे बताओ यहाँ किलोग्राम का क्यूब है क्या? नहीं. तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर मतलब सिर्फ मीटर का क्यूब है. समझ में आ रहा है ना आपको? वह सिर्फ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है. छोटी छोटी बात है, लेकिन मैंने कहा बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं इसे समझने में और पढ़ने में, तो आप याद रखिए. ठीक है, तो इसके बाद रोहन काले, रोहन, राहुल, प्राची शिंदे. यस सर. आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है क्या प्राची? Yes, distance अभी मैंने ऊपर बताया था. बोलो. Distance upon time.
तो यूनिट भी बता सकते हो आप, मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, मीटर पर सेकंड। अब मैं यहां पर बता रहा हूं आपको उसको नेगेटिव पावर के फॉर्म में कैसे लिखना है। तो ये एक ऊपर का भी लिख कर दिखाता हूं मैं। हाँ, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मीटर का क्यूब है मतलब पावर उसका कितना है, 3 है। न्यूमेरेटर पर लेकर गए -3, ये 3 पावर है यहाँ पर, न्यूमेरेटर पर लेकर जाओगे तो पावर क्या होगा, -3। ये समझ में आता है ना आपको? यस सर। ओके, जहां लगता है आपको समझ में नहीं आया तुरंत पूछ लो। स्पीड, तो माय डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी का भी सिमिलर फॉर्मूला, थोड़ा डिफरेंस है। वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है वो हम बाद में देखने वाले हैं दूसरे टॉपिक में, बट फिलहाल याद रखो डिस्प्लेसमेंट हम लेंथ के टर्म्स में ही मेजर करते हैं, एंड लेंथ के टर्म्स में मेजर करते तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर ही है, अपॉन टाइम तो इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा। मतलब ऐसा होता है माय डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज मे हैव द सेम यूनिट। डिफरेंट क्वांटिटीज का यूनिट क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। गॉट इट, क्लियर है क्या? यस। अब मैं क्वांटिटी लिखूंगा, जिसको आता है वह मुझे बताने की कोशिश करेगा फॉर्मूला पहले। हाँ, मैं लिख रहा हूं एक क्वांटिटी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन माय डियर स्टूडेंट्स। एक मिनट, मैं पूछता हूँ। हाँ, नाम बताओ आपका, कौन बताना चाहता है पहले, वो उनको प्रीफरेंस देंगे। सर रोहन। रोहन बोलो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। रोहन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेरी गुड, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, वेरी गुड। ऐसे फॉर्मूले तो लर्न होने चाहिए, बेसिक। तो माय डियर स्टूडेंट्स और एक बात बता देता हूं मैं, स्पीड या वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड है कि नहीं? आया नहीं? अब देखो, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कहा तो भी मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कहा मीटर पर सेकेंड, एंड चेंज इन वेलोसिटी कहा तो भी मीटर पर सेकेंड। अब डिराइव करते वक्त याद रखो, पहले हम लिखेंगे किसका यूनिट, पहले हम लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी का, जिसको हमने कहा मीटर पर सेकेंड, एंड ये टाइम अलग है डिनोमिनेटर पर, तो डिनोमिनेटर पर जो टाइम है उसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो सेकेंड इंटू सेकेंड हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर, या तो नेगेटिव पावर्स के फॉर्म में आप ऐसे लिख दो। क्लियर है क्या, आ रहा है क्या समझ में? यस सर। एंड मुझे बताओ, और मुझे बताओ आप लोग, ये दिखाई दे रहा है ना आपको क्लियरली, क्या फॉन्ट बड़ा लिखूं, ऐसा कुछ सजेशन है तो बताते जाओ। क्लियर सर। क्लियर है, गुड। ओके, अब कौन है जो बता सकता है? पूनम राउत। पूनम। यस सर। यस सर। मुझे फोर्स का फॉर्मूला बताओ पूनम। मास इनटू एक्सेलरेशन। वेरी नाइस, मास इनटू एक्सेलरेशन, गुड। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए आपका यहाँ पर। देखो हाँ, मैं किस तरह से लिख रहा हूँ, फोर्स का यूनिट लिखना है मुझे। ओके, ओमकार मंडलिक, ओम गोयल। यस सर। मुझे बताओ ओमकार, ये मास का यूनिट क्या है? मास का यूनिट भूल गए क्या? किलोग्राम। किलोग्राम, वेरी गुड। एंड इधर जो एक्सेलरेशन है इसका यूनिट तो मैंने ऊपर लिखा है, इधर ये एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर स्क्वायर सेकेंड लिखा है, एंड यहाँ पर वही एक्सेलरेशन का यूनिट लिखना है, तो मैं ये एक्सेलरेशन का यूनिट ये जो है यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो देखो क्या होगा, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। क्लियर है क्या ये? यस सर। गुड, अगर ये यूनिट आपको समझ में आया डियर स्टूडेंट, सिर्फ यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज, कुछ साइंटिस्ट के जो रिसर्च है उन्होंने जो रिसर्च किया है, उन्होंने जो मेहनत की है, एंड यहाँ पर जो साइंस में उनका योगदान हम बोलेंगे वह है, तो उसके कारण उनको, उनके कुछ यूनिट्स को क्वांटिटीज के उनके नाम दिए गए। ऐसे फोर्स का जो ये यूनिट है किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड,
इसको नाम दिया है साइंटिस्ट न्यूटन का, तो इसका मतलब है न्यूटन। तो मुझे बताओ न्यूटन का सिंबल लिखना है तो मैं कैसे लिखूं, स्मॉल लेटर यूज करूं या कैपिटल लेटर्स? कैपिटल सिंबल लिखते वक्त कैपिटल, बट फुल नेम लिख रहे होंगे तो स्मॉल। यस, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बताऊंगा। ये सिर्फ बेसिक ही नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आते हैं। कभी कभी आपको पूछा जाता है यूनिट ऑफ फोर्स, एंड ऑप्शन में न्यूटन होता ही नहीं, ऑप्शन में ये होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उसका मतलब समझ में आना चाहिए, न्यूटन मतलब क्या है, तो किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ओके मृणाली, मृणाली आपको मैं देखो एक यहाँ पर फॉर्मूला मतलब क्वांटिटी लिख रहा हूं, आप उसका फॉर्मूला बताने की कोशिश करो, या नहीं तो ऐसे करो आपको जो क्वांटिटी याद आती है चलो वो बताओ। कोई क्वांटिटी आपको याद आती है क्या, बताओ मुझे। ये जो क्वांटिटीज हमारी हुए है ना वो छोड़कर कोई याद आती है क्या क्वांटिटी दूसरी, जो भी आप तक 9th 10th स्टैंडर्ड में जो भी आपने पढ़ी है वो याद करो। वैसे इस साल तो एग्जाम हुई नहीं, कुछ हमने याद किया नहीं ज्यादा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं क्वांटिटी बता दूं आपको, मृणाली मैं एक क्वांटिटी बता देता हूं, वर्क डन या सिंपली वर्क भी बोल सकते हैं आपको। क्या आपको ये फॉर्मूला पता है मृणाली, वर्क का क्या है? नो सर। ओके सर मुझे पता है। गुड, हाँ किसका नाम बताओ? सर रोहन। रोहन ओके, एक मिनट रो ना, और कोई स्टूडेंट से तो उनको मैं पूछता हूँ, अगर न्यू स्टूडेंट से कोई तो कौन है ऐसा, आकांक्षा है क्या? सो मैं बताऊं? कौन, नाम बताओ? साक्षी। साक्षी ओके, बताओ साक्षी। फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओके, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, डिस्टेंस भी होता है वह, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज मोर करेक्ट। तो क्या आप मुझे आप यूनिट्स बताने की कोशिश कर सकते हो क्या, कौन बताएगा यूनिट मुझे? यस, हु कैन टेल मी द यूनिट ऑफ वर्क? जूल। जूल वेरी गुड, किसने बताया? संस्कृति गुड। अब जरा ध्यान से देखो, लेकिन अगर मैंने ऐसे आपको बताया यूनिट ऑफ वर्क, तो माय डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन में अगर जूल नहीं है तो आप कैसे लिखोगे उसे? आप उसको अलग अलग टर्म्स में लिख सकते हो, देखो कैसे वो मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान देना आपको है ना, तो मुझे बताओ फोर्स का यूनिट देखा है कि नहीं हमने, यूनिट ऑफ फोर्स देखा है कि नहीं? यस सर। वो क्या है? न्यूटन। तो मैं लिखता वर्क डन फोर्स, फोर्स मतलब न्यूटन, इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। तो माय डियर स्टूडेंट्स वर्क डन का यूनिट पूछा तो ऑप्शन में न्यूटन मीटर भी हो सकता है, एंड न्यूटन मीटर दिस यूनिट इज कॉल्ड जूल। तो जूल मतलब क्या होता है? न्यूटन मीटर, ये हमें याद होना चाहिए। अब ऑप्शन में न्यूटन मीटर भी नहीं होगा, जूल भी नहीं होगा, तो न्यूटन मीटर या जूल नहीं होगा तो ऑप्शन में क्या हो सकता है वो बता देता हूं मैं आपको। तो माय डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन में ऐसा हो सकता है, देखो फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में देखो, ठीक है? अब मुझे बताओ फोर्स का यूनिट न्यूटन है कि नहीं, बराबर है? एंड न्यूटन का मीनिंग क्या है? किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, करेक्ट है? तो मैं क्या करता हूं, न्यूटन की जगह ये लिख देता केजी मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ये हो गया फोर्स का इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब इनटू मीटर, तो मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर इनटू मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ले रहे क्या?
हाँ, अब आपके ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है केजी मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकेंड माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमें ये भूलना नहीं है, वो अलग अलग टर्म्स में लिखते आना चाहिए, अलग अलग वे से हमें सोचते आना चाहिए। चलो वर्क डन के बाद कौन मुझे बताता है? सानवी आप बताओ, कोई आपको एक हाथ क्वांटिटी याद आती है क्या? सानवी यस पावर पावर वेरी गुड पावर ऐसे बोलना चाहिए आप लोगों ने, पावर इज अ क्वांटिटी। ओके तो हु कैन टेल मी द फॉर्मूला फॉर पावर, कौन है जो फॉर्मूला बता सकता है पावर का? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ, आपका नाम भी बताते जाओ। पूनम। पूनम बताओ पावर का फॉर्मूला। वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम वेरी गुड, रेट ऑफ डूइंग वर्क वेरी नाइस। अब और बाकी स्टूडेंट्स में से आप मुझे बताएंगे, कौन बताएंगे पावर का यूनिट क्या है? Who can tell me the unit of power? Sir, मैं। हाँ बोलो अलोक। Power is equal to heat upon heat into current. Okay, but अलोक आपको समझ में आया क्या मैंने क्या पूछा है? हाँ सर। अलोक मैं मैंने formula already बताया था। Black। Just wait, अलोक को clear होने दो। आलोक मैंने क्या बताया? वर्क अपॉन टाइम ऑलरेडी फॉर्मूला बताया है मैंने, मुझे क्या चाहिए? वर्क अपॉन टाइम का यूनिट चाहिए। आलोक मतलब मुझे क्या चाहिए? वर्क का यूनिट क्या है पहले बताओ। आलोक न्यूटन मीटर। वेरी गुड, एंड न्यूटन मीटर को ही क्या कहा है हमने? जूल। जूल तो मैं क्या कर रहा हूँ, वर्क का यूनिट लिख रहा हूँ ना इधर, जूल अपॉन मतलब उसको क्या यूज करेंगे, स्लैश टाइम, तो टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। सेकेंड ये बताना है आपको, जूल पर सेकेंड, एंड अलोक जूल पर सेकेंड को कहा जाता है वाट। क्या कहा जाता है? वाट। साइंटिस्ट का नाम है, सिंबल लिखते वक्त डब्ल्यू शुड बी कैपिटल। कौन बताएगा और मुझे आप नेक्स्ट क्वांटिटी कौन सी है जो आपको याद आती है, जो आपके मन में है, कोई भी? सर सर मैं। हाँ नाम बताओ। गणेश। हाँ गणेश बोलो। गणेश सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वेरी गुड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो भी देखेंगे हम गणेश, लेकिन हम पहले मैकेनिकल क्वांटिटीज देख रहे, हम हीट सेक्शन में आने वाली क्वांटिटीज, स्पेसिफिक हीट, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वांटिटीज हम देखेंगे, हम शुरू में मैकेनिकल देखेंगे, मतलब बाद में उस तरफ जा रहे हैं हम। ओके सर, वन टाइम लेस देन 1 मिनट है। हाँ एक मिनट सब लोग सुन लो, कल आप इतना पार्ट रिवाइज करो, ये होमवर्क करो, कल मास से लेकर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, वहां से उसके आगे मैंने जो बताया आपको एरिया से लेकर पावर तक, चलो एक बार ऐसा करो स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक एरिया से यहाँ तक 16 क्वांटिटी एक स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन मैं दिखाई दे रहा हूँ क्या आपको इधर? हाँ एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। ले लिया? अब ये ऊपर का ले लो सर, वापस ज्वाइन करना है? आज मत ज्वाइन करो, ये धीरे धीरे हम एक हो गया कि आपका बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, उन्होंने कहा है कि